बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रिक्शा चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बिना अनुमति लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रदर्शन के चलते क्षेत्र में देर तक हंगामा मचा रहा। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रिक्शा चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सरकार हर मोर्चे पर विफल होती नजर आ रही है। रोजगार मांगने के लिए एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि आज युवा पलकों लिए है। मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा जो एक रोजगार बताया गया था पकौड़ा तलने का, आज वो भी नहीं चल रहा है। तो मजबूरन अब यहाँ के युवाओं को रिक्शा चलाकर अपना पेट पालना पड़ेगा। हमारी सरकार से ये मांग है कि जिस तरीके से अन्य जगह पर ध्यान दे रही है, युवाओं के रोजगार के लिए भी ध्यान दे। बाकी चीज़ों में तो सरकार विफल है ही, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन युवाओं को रोजगार की तरफ भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दे दें। देश और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और छात्र जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए पलायन कर रहे हैं, हाँ, हमारे मध्य प्रदेश से इधर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं पढ़ाई के लिए। हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम कलेक्टर कार्यालय में जाकर एक ज्ञापन के माध्यम से और अपने ये रिक्शा को भेंट करेंगे कि कलेक्टर महोदय हमारी ये बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं। प्रशासन से बिना अनुमति लिए किए जा रहे इस प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए युवाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झूमाझटकी हुई। ये युवक कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन था जो कि अवैध रूप से इन्हें बिना परमिशन के किया था, जिसके तहत इनमें गिरफ्तारियां की गई हैं और इनको गिरफ्तार करके अभी पुलिस लाइन ले जाया गया है। वहां से इनकी फॉर्मल अरेस्टिंग करके इन अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने अभी जो प्रथम दृष्टया 20 से 25 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं। विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्य मार्ग पर देर तक हंगामा मचा रहा।